अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से। शाम हो रही है और मैंने सोचा कि आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि आज मैं व्लॉग नहीं बना रही, आज मैं आपको दूंगी अपना होम टूर। तो वैसे भी आपने मेरे व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा मेरा जो है वो घर देखा होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मुकम्मल अपना घर दिखाया जाए। तो बाहर से कुछ इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, आपको बैक से दिखा देती हूँ। कुछ ये वो शीशा था जो कि चोरों ने तोड़ दिया था। और चलते हैं अब अंदर और देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। ये है स्टेयर्स ऊपर की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा घर है ऊपर नीचे अम्मी का, तो स्टार्ट करते हैं आपको अपने घर के जो है अपने घर का टूर जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा घर, ये है स्टेयर्स, नीचे है अम्मी का घर। तो मैं फिर किसी दिन नीचे अम्मी के घर का भी जो है ना आपको रूम टूर करवाऊंगी। आज फिलहाल करवाते हैं आपको मैं अपना अंदर। भाई ये स्टेयर्स, इधर से हम चलते हैं ऊपर। ये है रेलिंग और रेलिंग पे इतने प्यारे प्यारे कपड़े, क्योंकि आज कपड़े धोए थे। आ जाओ मारो फातिमा ऊपर। तो छत पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो इसी वजह से हम जो कपड़े हैं वो फिल हो गए यहीं पे सुखा लेते हैं। ये है थोड़ा सा टेरेस, यहाँ पे है चारपाई बिछाई हुई है। आंटी मोस्टली यहाँ पे जो है लेट जाती हैं, और यहाँ पे ये चेयर्स और टेबल, और ये है ड्राइंग रूम, और ये है मेन दरवाज़ा। कुछ इस तरह से यहाँ से ड्राइंग रूम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से मेन दरवाज़ा। अब मैं स्टार्ट करूँगी इधर से, हम यहाँ से जाते हैं सबसे पहले। ये है ड्राइंग रूम जी, ये है मेरा ड्राइंग रूम, ये है वॉशरूम, ठीक है, और ये है ड्राइंग रूम। यहाँ पे सोफ़े, ये सारे सोफ़े रखे हुए हैं। इसका सोफ़े को कवर किया हुआ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से शरारती हैं तो इस वजह से इसको कवर किया हुआ। और कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये वॉल पे पेंट हुआ हुआ है वाइट एंड ब्राउन कलर का। और एक मिनट, कुछ इस तरह ये कुछ ऐसे वॉल पे ऐसे वाइट एंड ब्राउन कलर का पेंट है। वो सामने है वॉशरूम, और ये जो है वो पैनाफ्लेक्स लगी हुई है कुछ ऐसा, बट लगता नहीं है। ये कुछ इस तरह से है, ये है ड्राइंग रूम हमारा, वो है वॉशरूम। वॉशरूम भी आपको दिखा देती हूँ। ये है वैनिटी एंड मिरर, और कुछ इस तरह से ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम से यहाँ से हम जाते हैं टीवी लाउंज में, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा टीवी लाउंज। यस, टीवी लाउंज जस्ट अभी टीवी, ये टीवी पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं वो टीवी देखते, जस्ट वो कास बैठ के मैच ही देखते। सामने ये सोफे हैं, ये हिस्ट्री स्टैंड, और उसके ऊपर बच्चों के बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चे घर में होते हैं, ट्यूशन वगैरह जाना होता है, तो कोई इतना ज़्यादा बैग्स की अभी प्रॉपर कोई जगह नहीं है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फर्श है, यहाँ पे रखा हुआ एक बेड, सिंगल बेड के, जिसने जो बैठ के बैठना हो टीवी शीवी देखना हो देख ले। और इसके वॉल पे जो है ये भी पेंट किया हुआ है ग्रे कलर का एंड ब्लैक कलर का लाइनिंग में। और सामने ये जो है वॉल पे ये लगाई हुई है पैनाफ्लेक्स लगाई हुई है, ठीक है। और इसकी जो सीलिंग है, मुझे याद नहीं रहा ड्राइंग रूम की आपकी सीलिंग भी दिखा, इसकी जो सीलिंग है वो कुछ इस तरह से है। इस रूफ जो है ना छत कुछ यूँ है इसकी जी। तो ये कुछ इस तरह से है टीवी लाउंज मेरा, ये है इसकी छत। और ये है हमारा मेन दरवाज़ा, यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं और उधर से भी ड्राइंग रूम से भी इंटर हो सकते हैं। सेम इसके सामने है मेरा किचन, ओपन किचन मैंने रखवाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था ओपन किचन का जी। ये है मेरा किचन ओपन, मुझे बहुत शौक था स्टार्ट में कि भाई मैंने जो किचन है वो ओपन रखना है। किचन ओपन का फ़ायदा भी है, लेकिन इसके नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर गेस्ट वगैरह बैठे हों तो साफ जाहिर हो रहा होता है कि हम किचन में क्या कर रहे होते हैं, किचन को हमें साफ़ रखना होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से है किचन। मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपको मेरे घर में ज़्यादातर ब्लैक कलर ही नज़र आएगा। ये है अलमारियाँ, मैंने किचन की ये जो कबर्ड्स बनवाई थी, किचन के जो कैबिन्स बनवाई थे, वो कुछ मैंने ऐसे मिरर स्टाइल में बनवाए थे, और कुछ मैंने ऐसे डोर लगवाए थे। यहाँ पे ये मेरा सेट पड़ा हुआ है। कुछ अभी इतना ज़्यादा फर्निश नहीं है मेरा घर, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से है।
किचन के ऊपर जो सीलिंग है वो भी इस तरह से है, क्योंकि किचन की छत और ड्राइंग रूम की जो किचन की जो छत है और टीवी लाउंज की जो छत है वो हमारी तकरीबन सेम सेम है कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे किचन की ये सीलिंग है और ये देखें, ये ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा किचन और ये मेरी मेरा टीवी लाउंज। ये टीवी लाउंज भी हो गया और इस फ्रंट पे जो है बच्चों का रूम है, ठीक है। और ये बड़ा रूम जिधर आंटी लोग हैं, सबसे पहले बच्चों के रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है। मोस्टली आप लोगों ने मेरे जो है वो वीडियोस में रूम वगैरह देखा होगा, किचन भी देखा होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज आपको पूरा होम टूर करवा दूँ। ये है बेड बच्चों का, ठीक है। मोस्टली ये बेडशीट भी आपने देखी होगी, सिंपल सा ये रूम, ज़्यादातर बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंद मारा हुआ है इस कमरे में, ठीक है। लेकिन बच्चों का रूम है इस वजह से कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। यहाँ पे सिंपल बेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे हीटर लगा हुआ है, वॉल हीटर लगा हुआ है, वो कॉर्नर पे वॉशरूम है और इधर जो है पेंट हुआ हुआ है वाइट कलर का और पर्पल कलर का। और यहाँ पर भी सीलिंग नहीं हुई, इस रूम की भी सीलिंग हमने करवानी है, ठीक है। और सामने ये LED है बच्चों की और ये है कूलर और यहाँ से जो है ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। ये नीचे जा जंगला लगा हुआ है, यहाँ से अम्मी के साथ जो भी बातचीत करनी हो कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस रूम से बड़े रूम में, अब जाएंगे इस रूम में अपने इस बड़े रूम में। ये है डोर, जैसे ही इंटर हो फ्रंट पे है ये इतनी खूबसूरत सी अलमारी, ये कुछ इस कलर की, ब्लैक कलर की। और सामने ये कर्टन्स और सामने ये आंटी का जाइन मास फिल वक्त आंटी, जो ये आंटी का रूम है, आंटी है इस रूम में, आंटी और मेरे ताया जी हैं। स्टार्ट में मेरा था इरादा कि मैं इस रूम में हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ चीज़ें अपनी पसंद की इस रूम में बनवाई थी, लेकिन फिर आंटी बड़ी थी तो मैंने फिर ये वाला बड़ा रूम आंटी को दे दिया, क्योंकि आंटी की बेटियों ने आना था, मेरे नंदों वगैरह ने भी आना हो, तो इस वजह से फिर ये वाला रूम हमने आंटी को दे दिया। ये है अलमारी, ये सामने कर्टन, ये सामने तख्त, बहुत इसका बहुत फ़ायदा है कि नमाज़ पढ़नी हो हम लोग इसी पे जो है वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर घर में ये चीज़ होनी चाहिए। सामने ये आंटी का बेड है और ये कुछ इस तरह से रूम है, वो है एंट्रेंस है और ये सामने अलमारी और ये तख्त बॉक्स और सामने ये आंटी का बेड। इस रूम की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे वो ये लगती है कि वो ये मैंने यहाँ पर ना ये जगह रखवाई थी फ्रंट पर, अभी ये कुछ तरतीब नहीं हुई हुई क्योंकि आंटी यहाँ पे हमारी मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे, ये मैंने कुछ स्पेस रखवाई थी और यहाँ पे है ये वॉशरूम और ये सामने जो है वो मिरर है। ते हैं अब बाहर, बाहर का आपको कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ से बाहर रूम, बाहर कुछ इस तरह से ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ये भी पैनाफ्लेक्स लगी हुई है और ऊपर जो है वो कुछ इस तरह से सीलिंग की हुई है। ये कर्टन से मैंने आप लोगों को अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, ये इस तरह से कुछ मिरर्स लगे हुए हैं मेन, और यहाँ से हमारे ऊपर का रास्ता जाता है। किसी दिन इसका भी विज़िट करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से है यहाँ से ये, और यहाँ से बाहर। तो करते हैं ब्लॉग को एंड, अल्लाह हाफिज़।